हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने हो सकता है क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो हम जो इसमें है शुरुआत करेंगे लाइन के स्लोप से, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। तो हम लोग बोलते क्या हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपको एक लाइन मिला। ठीक है, बेसिकली लाइन हमको हमें दो पॉइंट्स को मिलाने से मिलता है कि स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग दो पॉइंट्स को मिला और एक हम लोग को लाइन मिला। ठीक है, अब ये जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है, उस एंगल का टैन थीटा जो है उसे हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोलें तो स्लोप, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो स्लोप जो हो गया वो टैन ऑफ एंगल। ठीक है, टैन ऑफ थीटा, करेक्ट। अब इसको हम लोग निकालें कैसे, तो निकालने का तो एक तरीका होगा कि सपोज़ आपको ये थीटा दे दे, ये थीटा आपको दे, आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री या कुछ भी दे। ठीक है, तो स्लोप हम लोग डायरेक्टली उसका टेन थीटा ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि आपको एक पॉइंट्स दे देता है। यहाँ पर आपका दो, इस लाइन पे दो पॉइंट्स देंगे। सपोज कीजिए कि आपका हो गया ये x2 y2, और ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट की हेल्प से आपको निकालना हो स्लोप। एक तो एक बात तो हम लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो टैन थीटा होता है। अब टैन थीटा निकाल हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए इस दोनों पॉइंट को लेते हुए हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो इस ट्रायंगल में ये जो है कोऑर्डिनेट, ये हाइट जो है सेकेंड पॉइंट, ये है आपका y2। फर्स्ट जो है x1 y1, उसका हाइट है वो y1। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो जाए आपका y2 - y1, ये आपको हो जाएगा y2 - y1। ठीक है, जो कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया x1, और ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2। तो ये जो लेंथ हो गया है आपका, यहाँ का लेंथ, वो आपको हो गया है x2 - x1। ठीक है, तो ये साइड आपका आ गया y2 - y1, और हॉरिजेंटल जो साइड आ गया इस ट्रायंगल का वो हो गया x2 - x1। और आपको कैलकुलेट करना है स्लोप, जो कि होता है टैन थीटा। तो अगर वो एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी इस ट्रायंगल में, ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपका थीटा ही होगा। तो स्लोप अगर है आपका टैन थीटा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं जो टैन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर है बेस, जो कि होगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। तो ये तरीका हो गया आपका स्लोप निकालने का, अगर दो पॉइंट्स उस लाइन पे दिए हुए हों। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग को जानना है कि आखिर स्लोप पॉजिटिव कब होगा और स्लोप नेगेटिव किस केस में होगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता करना हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, तो आप सिंपल ये डायग्राम देख सकते हैं कि अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाए, वो एक्यूट एंगल किस साइड में हो सकता है, या तो यहाँ पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनाए, या तो आप यहाँ एक्यूट एंगल बनाए। ये सारे जो लाइंस हैं, ये हर केस में सारे लाइंस आपका जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही, हर केस में आपका थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है, तो इन सारे लाइंस का जो स्लोप होगा वो आप लिखेंगे टैन थीटा, और टैन थीटा, थीटा आपका है एक्यूट एंगल, तो टैन थीटा आपका पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप इन सारे केस में क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एक बात और, ये सारे लाइंस जितने ज़्यादा वर्टिकल होते जाएंगे, ये सारे लाइंस जितने ज़्यादा वर्टिकल, फॉर एग्जांपल वर्टिकल कहने का मतलब ये हो गया कि लाइंस अगर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और जितना ज़्यादा वर्टिकल ये एंगल जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही इस लाइन का स्लोप बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल बढ़ेगा, बेसिकली आप बोल रहे हैं कि थीटा बढ़ेगा, और थीटा के बढ़ने के साथ हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। सिंपल एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि 10:30 वैल्यू, 10:45, 10:60, इन सारे में थीटा के बढ़ने के साथ साथ टेन थीटा हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप्स जो हैं लाइन के, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गया पॉजिटिव स्लोप का, और इस तरह से स्लोप आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें नेगेटिव स्लोप की, तो नेगेटिव स्लोप कब होगा? नेगेटिव स्लोप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर लाइन कुछ इस टाइप से दिखे, इस तरह से, ये सारे लाइन में तीन चार एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारी लाइन अगर लाइन इस साइड इस तरीके से दिखे, जिसमें जो है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस हुई, हाँ सारे केस में आप देख सकते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। यहाँ भी थीटा ग्रेटर देन 90 है, इस केस में भी थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो इन सारे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्लोप लाइन का है, स्लोप वो आपका होता है टेन थीटा, और थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इन सारे केसेस में स्लोप जो है आपका नेगेटिव होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर थीटा एक्यूट एंगल हो तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए तो स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और बात होती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस है इस तरह से, हम लोग इस तरह से, ठीक है, आपको बोले कि यहाँ पर अगर कोई M1 लाइन है, यहाँ पर M2 लाइन है, ठीक है, तो बोले इन दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो बात ये होती है कि M1 जो है, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, मैं अगर मैग्नीट्यूड वाइज एग्जांपल दूँ, तो अगर सपोज कीजिए कि M1 अगर आपका रहा, एक बात तो श्योर है कि यहाँ स्लोप आपका नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो M1 अगर सोचा जाए तो M1 अगर सपोज कीजिए कि -5 है, तो M2 जो हो आपका वो हो जाएगा -3, -4, -3, -2, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप्स आते हैं, ठीक है। जितना लाइन ज़्यादा वर्टिकल होगा, उस लाइन का मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। जितना लाइन ज़्यादा वर्टिकल होगा, उस लाइन के स्लोप का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो M1 लाइन है, ये लाइन M1 वाला लाइन, वो ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है, M2 के कंपेरिजन में, इसलिए उसका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो 5 है, लेकिन वो माइनस है, ठीक है। तो अगर बस आपको स्लोप पूछा जाए, तो ये गारंटी है कि अभी भी हम लोग बोलेंगे M2 इज़ ग्रेटर देन M1, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि M1 का जो है वो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन आपने माइनस साइन कर रखा है, तो माइनस साइन होने के कारण भले ही वो ज़्यादा वर्टिकल हो, उसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, लेकिन माइनस लगे के कारण हम लोग बोलेंगे कि M2 यहाँ होगा वो M1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये केस एक्यूट एंगल में वैलिड नहीं होता है। अगर थीटा एक्यूट एंगल हो, तो उस केस में जो लाइन जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा, उस लाइन का स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी स्लोप की। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम लोग डिस्कस लाइन के इक्वेशन के, ठीक है। तो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन,
तो जो पहला फॉर्म है आपका वो है आपका टू पॉइंट्स फॉर्म, ये हम लोग को ज़्यादा तो यूज आता नहीं, ये आपका मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हम लोग फिर ही पढ़ेंगे। टू पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ हो और उस दोनों पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो सपोज कीजिए कि जो लाइन दिए हुए हैं वो है आपका एक्स टू वाई टू जो पॉइंट्स हैं वो, और एक है आपका एक्स वन वाई वन, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। बेसिकली अगर आप यहाँ वाई वन ले रहे हैं तो यहाँ भी आपको एक्स वन लेना पड़ेगा, यहाँ अगर आप वाई टू ले रहे हैं तो यहाँ भी एक्स टू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये टू पॉइंट्स फॉर्म। अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पता हो तो उसका इक्वेशन लिखने का ये तरीका हो गया। ये जो है ये पॉइंट जो आगे लिखा हो उसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है। तो बेसिकली हम लोग ये याद रख सकते हैं कि वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स टू, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में इसको भी याद रख सकते हैं। तो हो गया आपका टू पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट आता है फॉर्म आपका, वो आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से किया जाता है कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो एम होता है वो हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, और जो सी होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सी जो आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, मतलब कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है आपका और वो कुछ इस तरह से है, तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट हो गया वो सी हो गया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका जीरो है ही, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका सी हो गया, और ये जो स्लोप है वो हो गया एम का वैल्यू, वो हो गया आपका टैन थीटा, क्योंकि स्लोप जो होता है टैन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ थीटा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेप्ट दिया हो, सपोज कीजिए कि आप वाई इंटरसेप्ट दिया, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही, इंटरसेप्ट दिया हो फाइव, यहाँ पर जो है एक्स इंटरसेप्ट जो है आपका दे दिया गया हो माइनस सिक्स, ऑब्वियसली है नेगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट तो आपका जीरो है, और इस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना हो यूजिंग द अबव मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, दो चीज़ें हैं हम लोग यूज करने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं वाई इंटरसेप्ट सी और स्लोप, तो हम लोग लिख सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन। तो सी का जो वैल्यू, तो आप साफ देख रहे हैं कि वाई एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है फाइव पे, तो सी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया फाइव, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है स्लोप। तो स्लोप का निकालने का सबसे आसान सा तरीका जो है वो मैं कहूँगा को आप सिंपली टैन थीटा, अगर आसान हो तो आप टैन थीटा यूज कर सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो टैन थीटा होगा वो साफ दिख रहा है आपको, वो होगा परपेंडिकुलर जो कि फाइव है, और बेस जो कि आप साफ देख रहे हैं कि वो सिक्स है, ठीक है। तो टैन थीटा आपका हो सकता है यहाँ पर फाइव बाई सिक्स। तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन रेडी है, आप इक्वेशन लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू जो स्लोप हो गया वो आपका फाइव बाई सिक्स
एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट हो गया 5। तो इस तरह से हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी बात पे हो जाए। चलिए अगर क्वेश्चन हो, सपोज कीजिए ये आपका लाइन हो, हम लोग कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो गया सपोज कीजिए 6 और वाई कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, हम लोग को यूज़ करना है इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज कीजिए सबसे आसान इंटरसेप्ट फॉर्म ही होता है और हम लोगों को पढ़ना भी है ज़्यादा, फिजिक्स में यूज़ करना है इंटरसेप्ट फॉर्म, उससे आपका पूरा फिजिक्स में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन करना लिख लेंगे, जो फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है y इंटरसेप्ट और स्लोप। y इंटरसेप्ट जो c की वैल्यू है वो साफ देख रहे हैं आप, वो 4 है। ये लाइन y एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लोप की, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें इस केस में स्लोप कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा देखिए ये स्लोप तो नेगेटिव है, इतना हम लोग को मालूम है कि स्लोप क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे स्लोप निकालने के लिए हम लोग को इस साइड से थीटा लेना पड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बात तो हम लोग जान रहे हैं कि स्लोप आपका नेगेटिव है, तो क्यों ना हम लोग ये बात जानते हुए डायरेक्ट इस साइड से हम लोग एंगल ले लेते हैं, जो इसमें इस एंगल में परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 4 और जो बेस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस लगाते हुए, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, एंगल जो है ऑब्ट्यूस है माइनस, और मैं इस साइड से एंगल लेकर थीटा डैश नाम दे दूंगा और मैं बोलूँगा कि ये हो जाएगा -tan θ'। अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू लिखना होता तो मैं लिखता माइनस एम विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा मैं इस साइड से लेता उस केस में, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थीटा लेफ्ट साइड से निगेटिव एक्स एक्सिस से ले रखा है, थीटा डैश जो कि है। तो अगर हम लोग उसको लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा -tan θ', क्योंकि हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं। माइनस, अब tan θ' की वैल्यू जो होगी वो परपेंडिकुलर आपका 4 हो गया, बेस जो हो गया वो आपका 6 हो गया। तो हम लिख सकते हैं tan θ' की वैल्यू 4/6, जो कि हो गया -2/3, एज सिंपल, राइट। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जो स्लोप हो गया -2/3x, और y इंटरसेप्ट हो गया वो हो गया आपका 4, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसी पे, अगर हम लोग कन्फ्यूजन हो थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन सपोज कीजिए कि है y इज इक्वल टू, सॉरी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं डायग्राम ड्रॉ कर कर, ठीक है। तो चलिए अगर डायग्राम सपोज कीजिए कि कोई भी रैंडम डायग्राम हम लोग लेते हैं, ठीक है। डायग्राम हम लोग का ये है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। जो वाई इंटरसेप्ट है यहाँ दिया हुआ है, सपोज कि एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -5 है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट आप सपोज कीजिए कि है -4 और वाई कोऑर्डिनेट तो है ही आपका 0, ठीक है। अब हम लोग को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो एक बात हम लोग ध्यान दें कि ये स्लोप जो है पॉजिटिव है, सॉरी ये स्लोप जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ऑब्ट्यूस बना रहा है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो इसलिए आपका जो स्लोप हो गया वो हो गया नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव आने वाली बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग इक्वेशन लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम लोग का y इंटरसेप्ट जो हो गया है वो है -5, आप सीधा देख सकते हैं ये वैल्यू है आपका -5। स्लोप जो है हम लोग एक बार जान रहे हैं कि वो नेगेटिव आने वाला है, तो मैं माइनस कुछ tan θ' लेता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह, ठीक है।
मैं उतना नहीं सोचने जाता हूँ कि एंगल कितना किधर से लेना है ऐसे वगैरह। मैं सिंपल -10 θ लेता हूँ, और θ निकालने के लिए मुझे एक्स एक्सिस से निकालना है तो मैं एंगल θ लेता हूँ। लास्ट केस में हम लोगों ने θ इस साइड से लिया था, निगेटिव एक्स एक्सिस से। तो θ आप ये बोले या आप ये बोले, बात तो एक है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, स्लोप निगेटिव था। अब tan θ लिखने के लिए मैं माइनस लूँगा, tan θ जो हो गया परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड जो हो गया आपका वो हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गया 5, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, बेस बेस जो आपका हो गया वो हो गया 4, बस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं -(5/4). तो आपका लाइन का इक्वेशन बिल्कुल तैयार है। हम लोग लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू, स्लोप हो गया आपका -(5/4x) प्लस y इंटरसेप्ट हो गया आपका -5। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू -5/4x -5, ठीक है। तो ये आपका लाइन का हो गया इक्वेशन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको ये पता रखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आप कुछ ज़्यादा, बिना कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म यूज किए ही इक्वेशन लाइन का लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए शायद ये वाला क्वेश्चन अभी बच गया है, तो इस केस में मैं इस तरह से लेता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट ले लिया जाए, एक्स कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए आपका 6 है, वाई इंटरसेप्ट 0, यहाँ पर आपका वाई इंटरसेप्ट तो आपका -3, एक्स इंटरसेप्ट 0, तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 हो गया और वाई इंटरसेप्ट हो गया आपका -3, ठीक है। यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट आपका 6 है और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे आपका 0 होगा एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए इस लाइन की इक्वेशन हम लोग को लिखनी है। तो इस लाइन का स्लोप हम लोग को आने वाला है पॉजिटिव, ये बात श्योर है, क्योंकि आप देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है वो थीटा एक्यूट एंगल है, और ये जो एंगल होगा या ये एंगल दोनों बराबर ही हैं। तो हम लोग किसी भी एक ट्रायंगल को यूज कर कर एंगल निकाल सकते हैं tan θ। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो वाई इज इक्वल टू mx+c, सी जो होगा आपका वो -3 दिख रहा है यहाँ पर, और स्लोप की बात करें स्लोप है आपका पॉजिटिव, तो इस केस में मैं डायरेक्ट tan θ लिखने वाला हूँ, और tan θ की वैल्यू हो जाएगी 3, परपेंडिकुलर होगा और बेस जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो tan θ की वैल्यू लिखी जाएगी परपेंडिकुलर 3/6 बेस, तो आपको हो जाएगा 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x+-3, और यू कैन से y इज इक्वल टू x/2-3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का चारों लाइनों का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म था सेकेंड फॉर्म था, और इसी को हम लोग ज़्यादातर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्म यूज करना बिल्कुल आसान होता है हम लोग को। जो फिजिक्स में जिस वैल्यू की ज़रूरत होती है इस फॉर्म में वो सारे वैल्यू अवेलेबल होते हैं, जो कि जनरली होता है आपको वाई इंटरसेप्ट और स्लोप, ठीक है। तो इसी को हम लोग ज़्यादातर यूज करने वाले हैं। चलिए हम लोग तीसरे फॉर्म की बात करते हैं, जो थर्ड फॉर्म ऑफ लाइन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम हो, सपोज कीजिए कि एक्स इंटरसेप्ट यहाँ आपका हो गया ए, ये जो डिस्टेंस हो गया आपका वो हो गया ए, मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a,0, और वाई इंटरसेप्ट सपोज कीजिए कि हो गया आपका बी, मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट बी। तो आप सीधा सीधा जो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं x/a+y/b=1, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट फॉर्म।
यहाँ पर x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे होगा y नीचे होगा वो y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। ये भी एक तरीके का आसान मेथड है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग को दोनों इंटरसेप्ट साफ साफ पता हो तो हम लोग तुरंत लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो सारे क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं उन सारों क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कर सकते हैं आप, और आपको आंसर सेम आने वाला है। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आप चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ एक्स इंटरसेप्ट -4 है और वाई इंटरसेप्ट है -5, ठीक है। तो अगर हम लोग उस लाइन को फिर से लिखने की कोशिश करें तो यहाँ जो वाई इंटरसेप्ट हो गया वो आपका एक्स कॉर्नर 0 -5, एक्स यहाँ हो गया एक्स इंटरसेप्ट -4, वाई कॉर्नर 0। तो इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स बाई ए जो हो जाएगा उसका -4 होगा एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट होगा वाई बाई बी विल बी -5 इज इक्वल टू 1। अगर इसको आप कन्वर्ट कर कर देखना चाहते हैं तो ये वही लाइन का इक्वेशन हैगा। चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं वाई बाई माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस 1। हम लोग एक्स बाई 4 को उस तरफ ले जाएंगे, या इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू -5/4x-5, ठीक है। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन होगा स्लोप फॉर्म में, जो कि हम लोग का लास्ट आंसर के बराबर ही है। चलिए हम लोग लास्ट आंसर चेक करते हैं। लास्ट आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही लाइन का इक्वेशन है जो कि यहाँ हम लोगों ने अभी लिखा है, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से एक ही फॉर्म है, वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितना जल्दी यूज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रेट लाइन का तीसरा फॉर्म ख़त्म होता है, और ये बेसिकली लास्ट फॉर्म था। ज़्यादातर हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं और कभी कभी हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है फिजिक्स में, वहाँ हम लोग का कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का दिया जाए कि y इज इक्वल, इस टाइम में इक्वेशन दे रहा हूँ हम लोग को, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सपोज कि आपका इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू 3x-5, ठीक है। एक बात ध्यान रहे कि हम लोग को फिजिक्स में एग्जैक्ट डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को जस्ट एक ऐसा डायग्राम दिखाना होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है जिसका जिसका शेप जो है ऑलमोस्ट रियल शेप से मैच कर जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लोग को नहीं होता। तो अगर इस लाइन का इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग को इक्वेशन ड्रॉ करना हो, स्लोप लाइन ड्रॉ करना हो, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं, चलिए देखते हैं सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट, वो आसान है। चलिए सपोज कीजिए -5, तो -5 कहाँ मिलेगा हम लोग को? नीचे, ठीक है। तो -5 आपका यहाँ हो गया सपोज़ कीजिए। हाँ, मैंने बोल रखा है कि हम लोग को एग्जैक्ट डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, बस अप्रॉक्सीमेट करना है, ठीक है। तो -5 सपोज कीजिए कि यहाँ हो गया। अब आपको देखना है स्लोप पे, ठीक है। तो स्लोप इसका बस, अब स्लोप इसका नहीं, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट नहीं देखना, बस हम लोग को ये देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये जो स्लोप आपका आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉइंट से हम लोग के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है इस तरह लाइन इस तरह से जाएगी, और एक पॉसिबिलिटी है लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। इस केस में आपका स्लोप नेगेटिव होगा और इस केस में आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? हम लोग को लेना है पॉजिटिव स्लोप, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन आपका, ये शेप गलत है, ये शेप सही है। तो फाइनल जो आंसर हो गया आपका ये वाला हो गया, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप। अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग को लेना है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो क्यों ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग को फिजिक्स में जो ज़रूरत पड़ती है वो अप्रॉक्सीमेट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये बोलें या आप बोलें, ये दोनों केस में बात क्या है, बराबर ही है। इसलिए मैं एक ये डायग्राम लेकर चल रहा हूँ कि ये आपका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो जितना हम लोग को ज़रूरत पड़े इससे हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। तो
तो चलिए हम लोग बाकी सारे डायग्राम्स को हटा देते हैं। तो आपका ये हो गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप और शेप, ठीक है। इसका स्लोप जो होगा आप देख सकते हैं +3 है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए सपोज कीजिए क्वेश्चन हो आपका इस केस में 2x+3y इज इक्वल टू 6, इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना हो, ठीक है। तो ये अभी तो किसी फॉर्म में नहीं है, ना ही तो स्लोप फॉर्म में है और ना ही तो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, और स्लोप फॉर्म में तो आप जानते हैं अभी हम लोगों ने देख रखा है। तो हम लोग इस लाइन को किसी तरीके से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का सेम आंसर आने वाला है। तो चलिए स्लोप फॉर्म, मैंने आपको बोल रखा है कि स्लोप फॉर्म हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो स्लोप फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आपका वाई को इस साइड रखा जाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3y जो होगा वो -2x+6 के बराबर होगा। तो y जो यहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा -2/3+2, ठीक है x। तो ये आपका हो गया स्लोप नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो अगर इस लाइन का शेप ड्रॉ करना हो तो सिंपल सी बात है, y इंटरसेप्ट आपका आ गया है पॉजिटिव जो कि 2। हम लोग को एग्जैक्ट डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, बस अप्रॉक्सीमेट डायग्राम ड्रॉ करना है। अब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव है, तो इस लाइन से हम लोग को दो तरीके के लाइन, इस पॉइंट से हम लोग को दो तरीके के लाइन जा सकते हैं। एक लाइन ऐसे जा सकता है, एक लाइन आपका ऐसे जा सकता है, ठीक है। मैंने बोल रखा है कि मैं बस पॉजिटिव नेगेटिव देखने वाला हूँ। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये लाइन एक्यूट एंगल बना रहा है और ये लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ठीक है। हम लोग को लेना क्या है, इसका स्लोप भी आपका नेगेटिव आने वाला है -2/3। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो पॉजिटिव लाइन वाला स्लोप है जो कि ये है, उसको आपको ऑप्शन से हटाना है, बच जाएगा आपका ये वाला लाइन। तो फाइनली जो आंसर बच जाएगा वो आपका इस तरह से बच जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। -3x-2y = 5, ठीक है। कोई भी रैंडम में क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्लोप फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप फॉर्म ही यूज करते हैं हम लोग। वेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2y = और कैसे -2y = -3x+5 और y = 3/2x-5/2, ठीक है। -2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हम लोगों को ये वैल्यू आएगा। अब इस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करना हो तो सिंपल सी बात है, इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो ये हो गया, ठीक है, -5/2 ऑलमोस्ट। और जो स्लोप है इसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप आपका इस तरफ से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि एंगल छोटा है। तो हम लोग को इस तरह से कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो तो हम लोग इक्वेशन को उसके शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई शेप दिया हो स्ट्रेट लाइन का, ग्राफ ड्रॉ किया हो, तो उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने दोनों सीख रखा है। चलिए, हाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी हो सकता है कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फार्मूला है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स अगर आपको निकालना हो, तो चलिए सपोज कि एक लाइन आपका ये हो गया, एक लाइन आपका ये हो गया, और ये एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स हो गया, ठीक है।
हम लोग छोटे एंगल को कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो आपका ये भी एक एंगल हो सकता है, लेकिन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा वो छोटे एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। तो सपोज़ कि आपको थीटा निकालना हो, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, चलिए इसको हटा देते हैं, तो आपको थीटा निकालना हो तो इस थीटा को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा वन, ठीक है, वो 90 डिग्री नहीं है, बस थीटा वन है, थीटा वन हम लोग लेते हैं, और ये जो एंगल है वो बना रहा है थीटा टू, ठीक है। तो अगर आपका ये एंगल थीटा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस ट्राइंगल के इनसाइड वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो हम लोगों ने शायद क्लास 10th में एक रूल पर रखा था कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल उसके डिस्टेंट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो थीटा वन होगा वो थीटा टू प्लस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आपको थीटा जो है, जो कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस है, उसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। तो अगर आपको सपोज कि किस तरीके से थीटा वन थीटा टू पता है, तो एक तो तरीका ये हो गया थीटा निकालने का, लेकिन हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम ये थीटा नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। फार्मूला ये यूज करने वाले हैं कि मैंने पिछले चैप्टर में जो कि था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक फार्मूला दे रखा था, मैंने बोला था कि टैन ए प्लस बी जो होता है वो टैन ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। तो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि हम लोग को निकालना होगा टैन ए माइनस बी, तो जो प्लस है वहाँ हम लोग माइनस साइन पुट कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा टैन ए माइनस टैन बी, क्योंकि वहाँ प्लस साइन है, और यहाँ पर माइनस साइन से प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस आने वाला है, तो वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, तो ये आपको हो जाएगा टैन ए माइनस बी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ये लेते हैं कि टैन थीटा, अगर हम लोग दोनों साइड टैन लेते हैं, तो आपको हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा वन माइनस थीटा टू। अब टैन थीटा वन माइनस थीटा टू कितना लिख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा वन माइनस टैन थीटा टू अपॉन वन प्लस टैन थीटा वन इंटू टैन थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ से आपका टैन थीटा जो कि थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस है, तो टैन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, अब टैन थीटा वन क्या होता है, वो लाइन वन का स्लोप है, तो हम लोग टैन थीटा वन को रिप्लेस कर सकते हैं एम वन माइनस एम टू, टैन थीटा टू जो होगा एम टू के बराबर होगा, डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो ये जो इक्वेशन होता है वो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए होता है, ठीक है। आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, जब तक कि आप इसको पढ़ नए मैथमेटिक्स में, उतना से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, बस आपको टेन थीटा वन और टेन थीटा टू के जगह पे एम वन और एम टू रिप्लेस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई रैंडम सा क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन आपका है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों लाइन का स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू, अगर आप वाई साइड लाएँ तो हो जाएगा एक्स माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एम वन जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं माइनस 2, और इसके लिए जो एम टू लिख सकते हैं वो आपका आ जाएगा 1। तो आपको दोनों लाइन का स्लोप पता है। अगर आपको अब निकालना है एंगल बिटवीन दीज लाइंस,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को पुट करते हैं तो एम वन हो जाएगा माइनस टू माइनस वन अपॉन वन प्लस माइनस टू इंटू वन, ये आपका आ जाएगा माइनस थ्री अपॉन, इसको आप करेंगे तो माइनस वन जो कि आ जाएगा थ्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री, जिस वैल्यू जिस जिस एंगल का वैल्यू हम लोग को नहीं पता उसको हम लोग इन्वर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन होता क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा वक्त आने पर, लेकिन अभी के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री का वैल्यू मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग उसको ना इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको स्ट्रेट लाइन में याद रखनी है, आपका उतना इतना एक तरीके से काफ़ी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है उसमें हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं, और वेक्टर आपके फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब से आपका मैकेनिक्स शुरू होगा उसी टाइम से आपको वेक्टर का यूज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा ज़्यादा स्लो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय एंड